अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड है तो मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं, तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं रेड वेलवेट केक बनाऊं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी। इसकी रेसिपी मैंने खुद देखी है और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ऑब्वियसली केक के लिए हमें बीटर और गोश्त तो हमें चाहिए ही होते हैं। उसके अलावा रेड वेलवेट के लिए मुझे दो अंडे चाहिए, वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए, लिक्विड वाला भी आता है वनीला एसेंस वो भी आप ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर, रेड कलर, बटर, मिल्क, फ्लोर, विनेगर, कोको पाउडर और ऑयल भी हम लेंगे। और ये सब चीज़ें मैं डाल के कुकिंग करूँगी, लेकिन किस तरह से आइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक बोल मैंने ले लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी 2.5 कप फ्लोर। मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अच्छा जी, दूसरा बोल मैंने ले लिया है जिसमें मैं दूसरा बैटर तैयार करूंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप शुगर। एक हो गया, डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेड वेलवेट ज़रा सा हलवा भी होता है। और बटर में भी डालें 1.5 कप, ये मैंने थोड़ा मेल्ट कर दिया है, आप मेल्ट ना भी करें और डालें। और इसको मैं करूँगी, ये मैंने 10 मिनट तक इसको बीट कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 अंडे। अगर आपके पास मिक्सर है जिसमें बोल रखा होता है, मशीन चल रही होती है ऑटोमेटिक, तो आप मिक्सर के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डालते रहें। डाल के हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, वरना ये ऑयली ऑयली हो जाएगा। वाइट विनेगर 1 टीस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 टीस्पून। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बटर मिल्क, जो कि मैं अभी थोड़ा सा ही डालूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने पहले से मसाला बना के रखा था, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी रेड कलर 2-3 टेबल स्पून, डिपेंड करता है, और अगर आपको डालना है तो आप और डालें। मैंने 3 टेबल स्पून कलर डाला है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है रेड कलर। आप चाहें तो एक चीज़ और डाल सकते हैं। ये है मेरे बैटर की फाइनल शक्ल और इसको मैं अब पैन में डालूंगी, जिसमें मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा के रखा था ताकि ये नीचे ना चिपके। हाँ जी, मैंने इसको ओवन में रख दिया है, जो कि मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ था। 180 पे भी आप रख सकते हैं, मैंने 200 पे रखा था ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। वैसे तो 45 मिनट्स में आप देखिएगा कितना बनता है, लेकिन चूँकि ये पैन छोटा है और इसमें ज़रा स्पंज मोटा बनेगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम पर रखा है। जितना छोटा और पतला